गुड मॉर्निंग एवरीवन, करियर इन्फिनिटी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। चलिए आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। सब लोग लाइव हैं? चलो बेटा, तो आज का क्विज हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए देखिए और जवाब दीजिए। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है बेटा आपको। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। आइसोगेमिट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर एंड आइसोगेमिट्स डिफर ईदर इन द स्ट्रक्चर फंक्शन और बिहेवियर। इन ऊ माइसिटीज फीमेल गैमिट इज स्मॉलर एंड द मोटाइल वाइल द मेल गैमिट इज लार्जर एंड द नॉन मोटाइल। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा? यही वाला रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, यानी फर्स्ट का थ्री। वेरी गुड, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन आइए बेटा। वेरी गुड दीपशिखा, दीपाली, ज्योति, क्रांति, सही दिया आप लोगों ने। वेल रिप्लाइड बेटा। मिस्टर बैक्टीरिया, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सोनू करेक्ट है आपका, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को ढूंढना है बेटा। चलो लेट मी नो। पहला बिल्कुल सही है, दूसरा देखो दूसरा भी सही है, तीसरा म्यूजियम में फोटोग्राफ रखते हैं प्लांट और एनिमल का, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है, इसलिए थर्ड होगा बेटा। टू का थ्री सही है, करेक्ट बेटा, सही है मोस्टली लोगों का। आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमिट्स इज फाउंड इन, आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमिट, आइसोगेमस कंडीशन है लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड गैमिट्स उसमें पाया जा रहा है। तो आपको पता है एक ग्रीन एल्गी है जिसका नाम होता है स्पायरोगायरा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। बिसाइड्स पैडी फील्ड्स, सही है बेटा, सेकंड सही है आप लोग दे रहे हो। बिसाइड्स पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, मतलब चावल धान के खेतों के अलावा साइनोबैक्टीरिया और कहाँ पाया जा सकता है बेटा? बिल्कुल साइकस में पाया जाता है, यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है और यहाँ पाया जाता है फंजाई, और इस तरह के रूट को कोरालाइड रूट बोला था हम लोग ने। फिफ्थ का देखिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कितने पौधे जो हैं वो हाइपोगाइनस फ्लावर्स वाले हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर यानी सुपीरियर ओवरी। कितने हैं बेटा जल्दी बताइए, लेट मी नो। हाँ सुपीरियर ओवरी, हिंट तो दिया मैंने आपको, बाकी लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। कम ऑन एवरीवन, लेट मी नो। नहीं 15 नहीं होगा, 10 होगा, 10 सॉरी सही कह रहे हो, 15 होगा, सॉरी थर्ड होगा, बिल्कुल सही दीपाली, करेक्ट दिया आप लोगों ने, 15 होगा, सही है, क्योंकि सुपीरियर ओवरी ढूंढना था तो मोस्टली में आप देख लोगे सुपीरियर ओवरी मिलती है, ठीक है ना। कुकरबिटेसी और कंपोजिटी को छोड़ देना है, कुकरबिटेसी और कंपोजिटी को छोड़ देना है, उसमें इन्फीरियर ओवरी होती है, ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 15। वेरी गुड। अब चलिए, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल ऑफ, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है वो डेवलप्स होता है किससे? हाँ, ये होता है, आपको पता ही होगा, मेडुलरी रे से डेवलप होता है, आपको पता होगा। इन चाइना रोज फ्लावर आर, चाइना रोज यानी मालवेसी का मेंबर है, तो उसमें कैसा फ्लावर होगा? ऑब्वियसली एक्टिनोमॉर्फिक होगा ही होगा, बाकी आप बताओ। बिल्कुल सही है, इसका होगा एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विथ ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ठीक है, लेंटी सेल्स आर इन्वॉल्व इन, लेंटी सेल किस में इन्वॉल्व होता बेटा? हाँ, गैसेस एक्सचेंज में, लेंटी सेल गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, 7 का 1 सही है आप लोगों का। एज ऑफ द ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई, इस फिनोमिना को डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो एज कैसे निकालते हैं? बेस से एनुअल रिंग को काउंट कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। बिल्कुल सही, 8 का आप लोग सही दे रहे हो, 9 का भी। सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, मतलब किसमें थिन और मेम्ब्रेनस नहीं होता। मेज में तो होता है बेटा, कोकोनट में सीड अंदर ही होता है, ग्राउंड नट में भी होता है, देखा होगा, ग्राउंड नट मूंगफली का छिलका आसानी से मेम्ब्रेन जैसा होता है, ग्राम का नहीं होता बेटा। ट्रांजिशन स्टेज, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग द एंजाइमेटिक एक्शन इज, ट्रांजिशन स्टेज स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल सही है, ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल, यानी क्षण भर के लिए बनता है और अनस्टेबल होता है, करा चुका हूँ क्लास में। फास्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, फास्फोग्लिसराइड किसका बना होता है? चलिए, सबका सही है, सोनू, पीके, गोस्वामी, खुशी, दीपाली, दीपशिखा, मिस्टर बैक्टीरिया, सज्जू, शिवम। 12 का बताइए आप लोग, लेट मी नो। ट्वेल्व का क्या होगा बेटा? इसका होगा सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है, और एस्टर बॉन्ड बनाता है एक ग्लिसरॉल के साथ। ठीक है, और फास्फोग्लिसराइड लगा है तो फास्फेट ग्रुप जरूर होना चाहिए उसमें। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 3rd, ओनली सैचुरेटेड नहीं होगा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों हो सकता है, फास्फोग्लिसराइड की बात चल रही है। नहीं, एस्टरीफाइड बॉन्ड हमेशा ग्लिसरॉल के साथ बनाता है, आप जो 4 बोल रहे हो उसमें फास्फेट के साथ एस्टर बॉन्ड नहीं बनाएगा, तब तो हो जाएगा फास्फो एस्टर बॉन्ड, और जबकि फास्फो एस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड में होता है। बाकी लोगों ने सही दिया है, वेरी गुड। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम बैक्टीरिया इज, कुछ बैक्टीरिया में जो पिगमेंट कंटेनिंग होता है एक्सटेंशन मेम्ब्रेन का, वो क्या कहलाता है? एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ये कहलाएगा क्रोमैटोफोर। वेरी गुड। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज,
मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, लिपिड का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ठीक है, लिपिड का फॉर्मेशन होता है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि यहाँ पे होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। सिम्प्लास्ट आप जानते हो और न्यूक्लियोप्लास्ट भी आप जानते ही हो। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज, साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये मम्मी का है मान लो, ये पापा का क्रोमोसोम है, इसको सेडेट कर देते हैं। अब बताओ बेटा क्या बन गया, जल्दी बोलो। हाँ, ये बन गया बाइवेलेंट, वेरी गुड। मोस्ट अबेंडेंट इंट्रा सेलुलर कैटायन इज, मोस्ट अबेंडेंट इंट्रा सेलुलर यानी सेल के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा कैटायन पाया जाता है? पोटेशियम, और सेल के बाहर सोडियम। ये हो जाएगा 4। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इज स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाई, जब भी सीड का जर्मिनेशन होता है तो स्टोर्ड फूड को मोबिलाइज कौन करता है? मोबिलाइज्ड बाय। सही है सबका 16। 17 का आंसर रिप्लाई करिए, लेट मी नो। हाँ, ये करता है जिबरलिन ही करता है ये, बिल्कुल सही है बेटा। दीपाली, क्रांति, सज्जू, ज्योति, सोनू, मिस्टर बैक्टीरिया, दीपशिखा, करेक्ट है बेटा सबका। विच ऑफ फॉलोइंग क्रिटेरिया डज नॉट परटेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा परटेन नहीं होगा? शिवम करेक्ट है। 18 का बताइए, पीके गोस्वामी करेक्ट था आपका। 18 का जल्दी से रिप्लाई करिए, डज नॉट पर्टेन यानी इसके लिए कौन सा सही नहीं है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए? ये सही है, ये सही है। ट्रांसपोर्ट सेचुरेट भी होगा, अप हिल फॉलो नहीं होता बेटा, अप हिल तो केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फॉलो होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? पहला स्टेबल प्रोडक्ट बेटा फिक्सेशन के बाद का माना जाता है अमोनिया, तो अमोनिया माना जाता है बेटा। ठीक है, बिल्कुल सही। दीपाली करेक्ट, पीके गोस्वामी, अंशिका वर्मा करेक्ट है बेटा। विच ऑफ द मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पायरेशन, मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, मतलब फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में कॉमन कौन सा है बेटा? तीनों में पढ़ चुके हो, एनसीईआरटी का है लाइन। जल्दी बेटा 20 का आंसर रिप्लाई करिए, बिल्कुल सही है। एसिटाइल कोएंजाइम ए हो सकता है कॉमन, क्योंकि सब में बनता है, तो बिल्कुल करेक्ट है इसका, करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है बेटा। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड एज इंटाइन, आउटर लेयर को बेटा इंटाइन कहते हैं? नहीं, एग्जाइन। स्पोरोजिनस टिश्यू हैप्लाइड होता है? बिल्कुल नहीं, डिप्लाइड होता है, उसी से स्पोर मदर सेल बनती है। एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स, गलत हो गया। कैपिटम नरिसेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, 4 होगा बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या जनरेट होता है? करेक्ट है 21 का सबका, 22 का बताइए बेटा, लेट मी नो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है? आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर का तो जीन की रिसफलिंग होगी, जीन की रिसफलिंग होगी तो नए नए वेरिएशंस पैदा हो जाएंगे, यानी कि आंसर होना चाहिए 3। मियोसिस टेक्स प्लेस इन, करेक्ट है बेटा 22 का, 3 सबका। मियोसिस कहाँ होता है?
हाँ मियोसिस जिस सेल में होता है उसको मियोसाइट्स कहते हैं बेटा, और ये 2N होती है हमेशा, 2N होती है ज़्यादातर। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी से क्या फ़ायदा है? क्लिस्टोगैमी से क्या फ़ायदा है? क्लिस्टोगैमी में जेनेटिक वेरिएशंस तो पैदा होगा नहीं, मोर वाइग्रस ऑफ स्प्रिंग होगा नहीं, हाँ पॉलिनेटर पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। हाँ करेक्ट है बेटा, 24 का 3 सही है। क्रांति, सोनू, अंशिका, दीपाली, मिस्टर बैक्टीरिया, दीपशिखा, ज्योति, सोनू, शिवम, पीके गोस्वामी, एसटीडी हंगामा, बी नहीं होगा बेटा। 25 का 4 वेरी गुड बेटा। अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट, ठीक है क्योंकि मोनोइसियस है ना, कारा के बारे में पूछा है आपके सिलेबस में है। पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, पेरिस्पर्म एंडोस्पर्म से किस मामले में डिफर है? बेटा पेरिस्पर्म 2N होता है, रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस पेरिस्पर्म कहलाता है, एंडोस्पर्म 3N होता है, तो इसका मतलब बीइंग डिप्लॉयड इन नेचर। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑफ 2 जीन दैट हैव 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, कौन सा ट्रू नहीं है जिनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी 50% के करीब है? ट्वेंटी सेवन का आंसर रिप्लाई करिए, लेट मी नो द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 27 का 2 वेरी गुड। अंशिका, दीपाली, दीपशिखा, शिवम, रोली रूबी, क्रांति, मिस्टर बैक्टीरिया, शिवम, सज्जू, करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन के सामने बेटा, लेट मी नो द करेक्ट आंसर। वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन द पॉपुलेशन अकर्स बाई चांस, यहाँ बाई चांस बहुत बड़ा क्लू दिया हुआ बेटा, रेदर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके अलावा कोई बाई चांस घटना हो रही है जिससे जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, जीन फ्लो, जेनेटिक रैंडम मेटिंग या जेनेटिक लोड? बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं इसको। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल रिप्लाइड। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विच डिफर्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स द कॉमन इन्वायरमेंटल चेंजेस इज कॉल्ड, मतलब अगर इन कॉमन इन्वायरमेंट है तो फिर फिनोटाइप लगभग लगभग कैसा होता है, कॉमन होता है, तो इसका क्या अर्थ है, कौन सा फिनोमिना ये शो कर रहा है? कम ऑन एवरीवन, लेट मी नो द करेक्ट आंसर। नहीं बेटा एडेप्टिव रेडिएशन नहीं होगा, इसका होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि देखो एनवायरनमेंट सेम है तो फिर क्या होगा, फिनोटाइप भी सेम हो रहा है। बिल्कुल सही है सज्जू, करेक्ट बेटा, करेक्ट, 29 का 2 अंशिका, करेक्ट बेटा। बाकी लोग चेक कर लीजिए, हर चीज़ हर बार एडेप्टिव रेडिएशन नहीं आएगा आंसर। रोली करेक्ट, सज्जू करेक्ट, करेक्ट बेटा, करेक्ट। द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक ड्रिफ्ट जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाई, जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कब हो जाएगा, जब क्या होगा? हाँ जब रैंडम मेटिंग ना हो तब बेटा डिस्टर्ब हो जाएगा, रैंडम मेटिंग तो होनी चाहिए ना, वैसे भी ये पहला और चौथा ऑप्शन कंट्राडिक्टरी है इसलिए कोई एक ही सही होगा। विच ऑफ फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स, इंडिया में कौन सा बीटी क्रॉप हम लोग ग्रो करा रहे हैं?
हाँ ये कराते हैं हम लोग, कॉटन कॉटन सबसे ज़्यादा कराते हैं बेटा। वैसे तो बहुत सारे हैं, टोबैको भी आ गया, ब्रिंजल भी आ गया, बट कॉटन सबसे ज़्यादा कराते हैं। द गुड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड इज, सिट्रिक एसिड का गुड प्रोडक्ट क्या है बेटा? करेक्ट है सबका, 31 का 2। सिट्रिक एसिड बेटा एस्परजिलस नाइगर से निकालते हैं, आपको पता ही होगा। डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज द केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, उसको सेपरेट कैसे करते, कटे हुए डीएनए सेगमेंट को कैसे सेपरेट किया जाता है बेटा? करेक्ट है, 32 का 1 आप लोगों ने दे दिया बेटा। 33 अब आपके स्क्रीन के सामने, उसका आंसर मुझे रिप्लाई करिए बेटा, लेट मी नो। हाँ, कटे हुए फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किया जाता है, और उसके बाद उसको देखने के लिए यूवी रेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इथिडियम ब्रोमाइड से इसको स्टेन करते हैं और फिर ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई पड़ता है। ये देखिए बेटा, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो मैच नहीं कर रहा है अपने सबस्ट्रेट के लिए? कम ऑन एवरीवन, लेट मी नो। बिल्कुल सही बेटा, एल्गी के मिथाइलेज से कोई मतलब नहीं है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल डन बेटा, सबका सही है। द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट इन कंट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनी ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ, इसका कारण क्या है बेटा? जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, 3 होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अंशिका, शिवम, दीपशिखा, ज्योति, मिस्टर बैक्टीरिया, सज्जू, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, सबका करेक्ट है। रोली, रूबी, क्रांति, विच ऑफ फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, डीप सी वाटर में कौन सा पाया जाता है बेटा? डीप सी वाटर में कौन सा पाए जाने की संभावना ज़्यादा है? करेक्ट है पीके गोस्वामी, सोनू यादव, 35 का आपका सबका करेक्ट था। दीपाली, अंशिका, वेरी गुड बेटा, आप बहुत सही रिप्लाई कर रहे हो। आर्की, बैक्टीरिया होगा बेटा, ये डीप सी वाटर में पाया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा ये भी बता दीजिए, कौन सी एल्गी पाई जाती थी डीप सी वाटर में? कम ऑन एवरी वन, लेट मी नो, विच एल्गी इज फाउंड इन द डीप सी वाटर? नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस इज, बिल्कुल सही अंशिका, वेरी गुड बेटा। मिस्टर बैक्टीरिया सही है, क्रांति करेक्ट, शिवम करेक्ट, रेड एल्गी, रोडोफाइसी, सज्जू करेक्ट, ज्योति, रोली, पीके गोस्वामी, दीपशिखा, करेक्ट है बेटा, करेक्ट। हाँ इसका आंसर हो जाएगा रॉक, क्योंकि रॉक इज द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस, इज दैट क्लियर? 38, 37 का आप लोग ने सही दे दिया बेटा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई, देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो प्रोड्यूसर लेवल पे होती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है बेटा नया ऑर्गेनिक मैटर बनाता है कौन? कंज्यूमर, तो इसका मतलब हो जाएगा थर्ड। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ एक्स सी टू कल्टिवेशन या कंजर्वेशन, एक्स सी टू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? लेट मी नो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सब सही दे रहे हैं। हाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में तो आप शिफ्ट कर दोगे ना चीजों को,
जब इसको चीज़ों को शिफ्ट कर देंगे तो फिर ये नॉट यूज फॉर एक्स सी टू, तो एक्स सी टू कंजर्वेशन लिखा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द एक्स सी टू प्लांट कंजर्वेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन कोई चीज़ नहीं होती। शिफ्टिंग में तो क्या करते हैं, एक फसल को शिफ्ट करके दूसरी फसल लगा देते हैं सेम प्लेस पे। क्योटो प्रोटोकॉल वॉज इंडोस्ड एट, नहीं फील्ड जीन गन नहीं होगा, 39 का 3 होगा, वेरी गुड। क्योटो प्रोटोकॉल आर इंडोस्ड एट, आपने सुना होगा कि कन्वर्सेशन ऑफ पार्टीज बोलते हैं इसको, तो ये 3 कंट्री इन्वॉल्व हुई थी। तो कहाँ पे, जापान में, कब, 1997 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए चलाया गया था, COP3 के नाम से जाना जाता था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अंशिका, दीपाली, रोली, मिस्टर बैक्टीरिया, क्रांति, सज्जू, दीपशिखा, ज्योति, मैच कराना बेटा कॉलम 1 को कॉलम 2 से, फिर कॉलम 3 से, देखो कौन सा करेक्टली मैच है। करेक्टर उसका और कौन से ग्रुप को मैच को बिलोंग कर रहा है, जल्दी से बताइए। कम ऑन एवरीवन, लेट मी नो। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 41 का 1 होगा, वेरी गुड बेटा। अंशिका, सज्जू, दीपाली, दीपशिखा, मिस्टर बैक्टीरिया, सज्जू, क्रांति, शिवम, विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू दियर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। करेक्टली मैच ढूंढना है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के लिए बेटा। फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, पिसीज, सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इंसेक्टा, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सी सी फ्लाई, सिल्वर फिश, इंसेक्टा, कौन सा सही है। स्पाइनी आंट ईटर, सी अर्चिन, सी कुकुंगा, इकाइनोडर्मेटा, कौन सा सही बेटा। ये सही है, सारे इंसेक्टा ग्रुप को ही बिलोंग कर रहे हैं बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड दीपाली। विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू द सेम फाइलम, सेम फाइलम को कौन सा ग्रुप बिलोंग कर रहा है। यहाँ देख लो अमीबा आ गया बीच में, यहाँ देख लो पिन वॉर्म आ गया, टेप वॉर्म आ गया, ये ग्रुप सब अलग अलग हैं। यहाँ देखो स्पॉन्जेस, सी एनिमोन, स्टार फिश आ गई, बहुत ही अलग ग्रुप है। यहाँ चेक करो, ये बिल्कुल सही है। ये तो वही रिपीट हो गया, हाँ ये देखिए। एच जोन इन द स्केलेटल मसल इज ड्यू टू, एच जोन जो होता है स्केलेटल मसल में, एच जोन जो होता है स्केलेटल मसल फाइबर में, वो किसके कारण होता है, क्या होता है, मतलब एक्सप्लेन करना है आपको। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, कम ऑन एवरीवन, लेट मी नो। दिस इज द सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। टू नहीं होगा, द सेंट्रल गैप बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट ऑफ द ए, सही डिस्क्राइब करिए तो ये होगा। सेंट्रल गैप बिटवीन एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। 45 का 2 नहीं, पढ़िएगा एक बार फिर। सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, ये ज़्यादा सही एक्सप्लेन हो रहा है। वॉट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर लास्ट मंथ ऑफ लास्ट माउल्ट ऑफ द कॉकरोच निम्फ, लास्ट माउल्ट के पहले क्या होगा। कम ऑन एवरीवन,
जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या आंसर होगा। इसका हो जाएगा बोथ फोर विंग एंड हिंड विंग डेवलप्स, फोर विंग और हिंड विंग दोनों डेवलप हो जाएंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सबने सही दिया है, बिल्कुल सही है। अंशिका, दीपाली, मिस्टर बैक्टीरिया, क्रांति, रोली रूबी, दीपसिका, सज्जू, शिवम, ज्योति, पीके गोस्वामी, द गॉल्गी कॉम्प्लेक्स प्ले ए मेजर रोल। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स मेजर रोल किसके लिए प्ले करता है? गॉल्गी कॉम्प्लेक्स मेजर रोल प्ले करता है इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड द ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड। प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करता है बेटा, बिल्कुल सही है दीपाली, करेक्ट, सबका सही है, सबका सही है। मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज तो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड है। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम आर, ये हो जाएगा बिल्कुल सही 48 का, ये हो जाएगा विटामिन, और 50 का देखिए और सही आंसर रिप्लाई करिए। सही है सबका, 50 का सही आंसर रिप्लाई करिए, लेट मी नो। हाँ 50 का हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही है, थर्ड होगा बेटा, फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। एल्विलाई, थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो चलिए आज का क्विज खत्म होता है, कल फिर मिलते हैं हम लोग नए क्विज के साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मेहनत करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है बेटा। ओके, टेक केयर।